नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। आज मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है बजरंगी भाईजान। दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की कहानी का नाम है बजरंगी भाईजान। अब इसका मतलब क्या है ये पता चलेगा आपको कहानी पढ़ने के बाद। तो कहानी शुरू होती है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहाँ जन्म हुआ एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है शाहिदा, जो जन्म से ही गूंगी है। उसके दादा उसके माता पिता को दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में मन्नत मांगने के लिए सलाह देते हैं। उनका कहना था कि बचपन में मैं भी नहीं बोलता था, मगर मेरे अब्बू मुझे वहाँ ले गए थे और उनकी नेमत से मेरी आवाज़ लौट आई थी। शाहिदा के पिता फौज में थे, इसलिए हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं लग सकता था। इसीलिए शाहिदा की माँ उसे लेकर जाती है दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन अपनी बच्ची के लिए दुआ मांगने। मगर आते वक्त बच्ची ट्रेन से नीचे उतर जाती है एक बकरी के बच्चे के लिए। उसे पता ही नहीं चलता कि ट्रेन कब चल पड़ी। ट्रेन की गति तेज़ हो गई थी, मगर शाहिदा की आवाज़ ना होने की वजह से उसकी आवाज़ उसकी अम्मी तक नहीं पहुँच सकती थी, जो बेचारी बेखौफ सो रही थी ट्रेन में। जैसे ही शाहिदा की अम्मी की नींद खुली, वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए इधर उधर भागी, मगर तब तक ट्रेन हिंदुस्तान की सरहद पार कर चुकी थी। उधर शाहिदा एक मालगाड़ी में बैठकर वापस दिल्ली पहुंच चुकी थी, जहां वो मिलती है पवन कुमार चतुर्वेदी यानी बजरंगी से। बजरंगी अनजान भूखी बच्ची को देख उसे ढाबे पर खाना खिलाता है और उसके गले में हनुमान जी की माला डालकर एक मंदिर पर छोड़ देता है। उसे लगता है हनुमान जी उसकी मदद करेगी। बजरंगी बहुत ही भोला मगर हनुमान का सच्चा भक्त था। वो किसी भी काम के लिए झूठ या धोखेबाजी का सहारा नहीं लेता था। बजरंगी जैसे ही बस में चलने लगता है, वो बच्ची दौड़कर बस के पीछे पीछे भागती है। बजरंगी बस रुकवाकर बच्ची को अपने साथ बस में बैठाकर अपने साथ कुरुक्षेत्र ले जाता है और पुलिस थाने में ले जाकर उसे पुलिस के हवाले करता है और कहता है कि साहब ये बच्ची अपने माँ बाप से बिछड़ गई है, कृपया आप इसके माँ बाप को ढूंढ दीजिए। मगर पुलिस कहती है कि यहाँ पर चोर उचक्के आदमी आते हैं, इन सब के बीच में इस बच्ची को कैसे रखेंगे। तुम इसे अपने साथ ही रखो, इसके माँ बाप के बारे में हमें जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम तुम्हें सूचना देंगे। जय श्री राम कहकर पुलिस भी अपना पल्ला झाड़ लेती है। भोला भाला बजरंगी उस गूंगी बच्ची को एक बार फिर अपने साथ बस में बैठा कर ले आता है और उससे अलग अलग शहरों के नाम पूछता है और कहता है जो भी तुम्हारा शहर हो तुम अपना हाथ उठाकर अपना सर हिला देना, मैं समझ जाऊँगा। उसके देखा देखी बस के बाकी मुसाफिर भी अलग अलग शहरों के नाम बताते हैं, मगर बात नहीं बनती। बजरंगी बस के मुसाफिरों से इतना घुल मिल जाता है कि सबको अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि मैं बचपन से ही अपने बाबूजी के लिए मुसीबत बना रहा और ग्रेजुएशन करने में भी मैंने 10 साल लगा दिए और अंत में दुखी होकर बाबूजी ने अपने दिल्ली के एक मित्र दयानंद जी का पता मुझे दिया और कहा कि इनके पास जाऊँ तो मेरा उद्धार हो जाएगा। पिता के देहांत के बाद जब मैं उन सज्जन पुरुष के पास पहुँचा तो उन्हीं की बेटी से प्रेम हो गया और अंत में उन्होंने भी मुझे 6 महीने का वक्त दिया अपनी बेटी के लायक बनने के लिए। उसके बाद ही मेरी शादी रसिका यानी उसकी बेटी से हो पाएगी और मैं यहाँ चला आया कुछ बनने के लिए। अब इतने दिनों के बाद वापस दिल्ली जा रहा हूँ रसिका से शादी करने के लिए। वहाँ पहुँचकर बजरंगी मुन्नी की कहानी सबको सुनाता है। रुचिका के पिता उच्च ब्राह्मण थे और वो बजरंगी को समझाते हैं कि पहले तुम खुद किसी लायक हो जाओ तभी दूसरों की सहायता करना। अगर तुमसे यह सब कुछ नहीं होता तो मुझे पहले ही बता दो ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दूँ। इस पर बजरंगी कहता है कि मैं जल्दी मुन्नी को उसके मम्मी पापा के पास छोड़ दूंगा, तब तक जय श्री राम। और कुछ ही दिनों बाद सबको पता चल जाता है कि वो मुस्लिम धर्म की है और पाकिस्तान से है। ब्राह्मण परिवार में हल्ला मच जाता है। रुचिका के पिता बजरंगी को कहते हैं कि इसे तुम पाकिस्तान एम्बेसी में छोड़ आओ, वो इसको इसके घर पहुँचा देंगे, मगर उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है जो मुन्नी के पास नहीं था। इसीलिए वो एजेंट के पास जाता है और पाकिस्तान का पासपोर्ट बनवाने के लिए बात करता है, मगर वो एजेंट भी साफ मना कर देता है पाकिस्तान के पासपोर्ट के लिए, मगर उसे सुझाव देता है कि उसके पास और भी एजेंट है जो बिना पासपोर्ट के मुन्नी को पाकिस्तान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए 1.5 लाख रुपए लगेंगे। भोला बजरंगी 1.5 लाख रुपए तो नहीं जुटा पाता, फिर रसिका मदद करती है और उन दोनों ने जो खुद के घर के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो लाकर बजरंगी को दे देती है। अगले दिन बजरंगी मुन्नी को लेकर उस एजेंट के पास छोड़ आता है और कहता है जैसे ही मुन्नी अपने माता पिता से मिले हमें इस नंबर पर बता दें।
भोला बजरंगी उस एजेंट पर विश्वास कर मुन्नी को उसके पास छोड़कर वापस आने लगता है, मगर रास्ते में बाजार में उसे चूड़ियाँ दिखाई देती है। फिर वह मुन्नी के लिए चूड़ियाँ खरीदता है और वापस उसे देने जाता है तो नुक्कड़ पर रिक्शे में एजेंट और मुन्नी दोनों जाते हुए दिखाई देते हैं। उनका पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां एजेंट मुन्नी को ले जाता है। उसे पता चलता है कि वो कोठा है। एजेंट उसे धोखा देकर मुन्नी को बेचने के लिए ले जाता है, मगर तभी बजरंगी वहां पहुंच जाता है और मुन्नी को उनसे बचाकर वापस घर ले आता है और इस बार फैसला करता है कि वो खुद पाकिस्तान जाएगा मुन्नी को उसके घर छोड़ने के लिए। मुन्नी को उसके घर छोड़ने के लिए रसिका और रसिका के पिता दयानंद दोनों बजरंगी को ऐसा करने से मना करते हैं, मगर बजरंगी दृढ़ निश्चय कर चुका था मुन्नी को उसके माँ बाप से मिलाने का और अब उसे किसी पर भरोसा भी नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे मुन्नी को लेकर चल पड़ता है सरहद की तरफ। रेगिस्तान से होते हुए मुन्नी के साथ बजरंगी पहुंच जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक एजेंट से जिसका नाम है बू अली, जो पैसे लेकर दोनों तरफ के मुसाफिरों को बॉर्डर पार करवाता है। मुन्नी के लिए बजरंगी उस एजेंट को पैसे तो दे देता है, मगर बॉर्डर पार करते ही वो रुक जाता है और कहता है कि हम पाकिस्तान के आर्मी से परमिशन लेकर ही जाएंगे। तब तक वो एजेंट समझ जाता है कि वो अब्बल दर्जे का पागल है और उसे पीछा छुड़ाकर वो भाग जाता है। तभी वहाँ पाकिस्तान के जवान आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। पूछने पर बजरंगी कहते हैं हम पाकिस्तान इस बच्चे को छोड़ने आए हैं। अफसर पूछता है तो फिर गए क्यों नहीं? बजरंगी कहता है हम हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, आपके परमिशन के बिना नहीं जाएंगे। अफसर कहता है परमिशन ही लेनी थी तो पाकिस्तान एम्बेसी से जाकर लेते। फिर बजरंगी सारी कहानी उसे सुना देता है और एजेंट के बारे में भी बता देता है। अफसर अपने सैनिकों से कहता है कि इन दोनों को इसी सुरंग से उस तरफ छोड़ाओ और इस सुरंग को रेत से बंद कर दो, मगर बजरंगी दूसरी सुरंग से फिर इस तरफ आ जाते हैं। अब की बार अफसर उनसे तंग आ जाता है और कहता है 10 मिनट बाद हम फिर इस तरफ दौरे पर आएंगे, जब तक तुम चाहो तो इस तरफ जा सकते हो या उस तरफ। मगर उसके बाद भी बजरंगी को वहीं खड़ा पाकर वो समझ जाता है कि उसका सामना एक अव्वल दर्जे के पागल से हुआ है और अब की बार उसे साफ साफ कहता है कि तुम पाकिस्तान जा सकते हो। वहाँ से निकलकर बजरंगी और मुन्नी एक ढाबे पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। उन्हीं के पास कुछ पुलिस वाले भी नाश्ता कर रहे होते हैं। उन पुलिस वालों के पास हथकड़ी देखकर मुन्नी का मन उसे लेने को करता है और मुन्नी वो हथकड़ी अपने बैग में छिपा लेती है, मगर उन पुलिस वालों को पता चल जाता है और इस सबके बीच में उन्हें यह भी पता चल जाता है कि बजरंगी हिंदुस्तान से है। वो उसे एजेंट समझ थाने में ले जाते हैं। वहीं पास में एक लोकल पत्रकार भी था जिसका नाम है चांद। एक अच्छी खबर के लिए वो भी थाने पहुंच जाता है उनकी स्टोरी कवर करने के लिए। मुन्नी के लिए थानेदार का सख्त रवैया देखकर बजरंगी को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को मार पीट कर मुन्नी को वहां से भगा ले जाता है। ये सब देखकर चांद नवाब भी उनका पीछा करता है और वो दोनों एक बस में चढ़ जाते हैं। तो चांद नवाब भी उसी बस की पिछली सीट पर जा बैठता है। थाने से मुन्नी एक तस्वीर उठा लाई थी जो उसे अपने घर की जैसी लगी थी और इशारे से बजरंगी को समझाती है कि यही मेरा घर है। बजरंगी बस में सभी मुसाफिरों से उस जगह के बारे में पूछता है। जब बस में बैठे मुसाफिर को पता चलता है कि वो इतनी दूर से पाकिस्तान सिर्फ उस बच्ची को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लाया है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। पास में बैठे चांद नवाब भी उसकी कहानी सुनते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई हिंदुस्तान का एजेंट नहीं बल्कि एक दरिया दिल इंसान है जो हिंदुस्तान से उस बच्ची को पाकिस्तान सिर्फ उसके माँ बाप को मिलाने के लिए लाया है। पत्रकार चांद नवाब इरादा कर लेता है कि वो भी इसमें बजरंगी की सहायता करेगा और अपने कैमरे के जरिए उनकी वीडियो बनाता है और इस वीडियो को एंटरटेन के माध्यम से वायरल कर देता है और सभी तक उसकी कहानी पहुंचा देता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता का साथ पाकर उन दोनों को बहुत खुशी होती है। उधर पाकिस्तान की पुलिस और खुफिया विभाग के लोग बजरंगी के पीछे पड़े थे। उन सबको चकमा देते हुए और मुसीबतों का सामना करते हुए आखिर में बजरंगी मुन्नी को उसके घर वालों से मिलाने में कामयाब हो जाता है और इस बीच उसे गोली भी लगती है और पुलिस वाले उसे पकड़कर किसी खुफिया जगह पर ले जाते हैं। वहाँ के अफसर को भी जब सच्चाई का पता लगता है तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या सच में आज के वक्त भी इंसानियत बाकी है? वो सोचता है कि यदि इस इंसान को गलत सजा मिली तो इस दुनिया से इंसानियत का नाम खत्म हो जाएगा और वो अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाने का फैसला करते हैं। उधर चांद नवाब मीडिया के जरिए दोनों तरफ की जनता से विनती करता है कि आप चाहो तो बजरंगी वापस हिंदुस्तान जा सकता है।
जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती और देखते देखते दोनों तरफ की जनता बॉर्डर पर पहुंच जाती है। इतनी भारी मात्रा में लोगों की भीड़ देख सिक्योरिटी भी पीछे हट जाती है। लोगों की भीड़ दोनों तरफ के दरवाजे तोड़ देती है और बजरंगी अपनी सरजमी पर कदम रखता ही है कि पीछे से आवाज़ आती है, मामा। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि शाहिदा की ही थी, जिसे सुन बजरंगी वापस मुड़ता है और दौड़कर शाहिदा को गले से लगाता है। तो अब शायद आप समझ चुके होंगे कि इस कहानी का नाम बजरंगी भाईजान क्यों है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।